गायत्री और अभिषेक, अपनी गायत्री और अपना अभिषेक, बगल में ससुराल दे धमाल महेंद्र। सोच सोच उर्मिली, विदाई कैसी होगी? मैं गायत्री से कहूंगा, गायत्री बेटा, गायत्री बेटा, अब तो ससुराल ही तेरा घर है, तुझे अपने मायके से दूर, बहुत दूर जाना है, पूरे 20 सेकंड दूर। हमारी आंखें हमारी बेटी को देखने के लिए तरसेंगी ना महेंद्र, हाँ? तो हम इसे तड़प तड़प के इस खिड़की से ऐसे ए गायत्री करके चिल्लाएंगे, हाँ? और वो यहाँ आके जवाब देगी, हाँ बोलिए। महेंद्र, हाँ? मैं ना फटाफट मेरी माँ को फोन करके बता देती हूँ, हाँ? वो तो खुशी से मर जाएगी। सच? अरे तू जल्दी बता महेंद्र। उर्मिली उर्मिली मरी रानी, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, हा? वैसे पड़ोस में ही सही, लेकिन गायत्री अगर इस घर से चली जाएगी तो घर बड़ा सोना सोना हो जाएगा, नहीं? और फिर रुकिए महेंद्र रुकिए, मैं जरा बाजरा लेके आती हूँ। बाजरा? हाँ, अभी मोटा हुका देते देते रोएगा ना। अरे नहीं रे मारी ढेल, मारी उर्मिली। अरे उर्मिली, मैं तो ये कहने जा रहा था कि इस सुने घर में छोटे से नन्हे मेहमान को लाने की तैयारी करनी पड़ेगी ना, है ना? जाओ ना वे तुम्हें, अभी आप साव बेशरम हो गए आप, छोड़िए मुझे, छोड़िए ना। बोल। है सच में छोड़ दिए? तुरंत मान ली मेरी बात आपने? अरे तो मानूंगा नहीं डोबी, नन्ना मुन्ना मेहमान मतलब अपने अभिषेक और गायत्री की बेटी, हमारी पोती की बात कर रहा था मैं। ठीक, पर वो तो उनको इलाना पड़ेगा ना। लेकिन वो सब शादी के बाद है महेंद्र, आप जरा खम्मा करो है? और अभी आप सिर्फ सगाई के बारे में सोचिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि सब सारा वाना हो गया। वो तो है, सच में भगवान ने हमारी सुन ली है, क्योंकि बेटी की खुशी में ही बाप की खुशी होती है। मैं बाजरा लेके ही आती हूँ। क्या खुश हो? थोड़ी बहुत। थोड़ी या बहुत? एक्चुअली बहुत थोड़ी। बहुत थोड़ी मतलब? मतलब तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो गई इस बात से बहुत थोड़ी खुश हुई मैं, क्योंकि वो तो तुम्हारी कंफ्यूजन थी ना। लेकिन तुम्हारी कंफ्यूजन दूर होकर तुम्हें ये एहसास हुआ कि तुम्हें मुझसे प्यार है, ये जानकर मैं बहुत 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 खुश हुई। मन कर रहा है तुम्हारी बाहों में समाकर तुम्हारे साथ डांस करूं। तो रोका किसने? मैंने खुद ने, क्योंकि अब तक तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया है अभिषेक। अच्छा, तो अभी कर देता हूं। गायत्री, क्या मैं? नहीं, ऐसे नहीं। जिस तरह मैंने तुम्हारी पसंद जानकर तुम्हें तुम्हारी पसंद का तोहफा देकर शुक्रिया अदा किया था ना, बस उसी तरह तुम्हें मेरी पसंद जानकर मुझे तोहफा देकर मुझे प्रपोज करना पड़ेगा। अगर गिफ्ट पसंद आया तो डेफिनेटली हाँ कर दूंगी। अरे बाप रे, मतलब तुम्हारे ना कहने के भी चांसेस है? हाँ बिल्कुल है। तो तुम ना कहो उससे पहले मैं हैव अ डांस।
डांस। हाँ? मैं यहाँ, तुम वहाँ। गायत्री, आई लव यू। आई लव यू टू। क्या तुम मुझसे? नहीं, इस बात का जवाब तो मेरी पसंद का तोहफा मिलने के बाद ही दूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। चाइनीज भाखरवड़ी अरे चाइनीज भाखरवड़ी खत्म हो गई है उर्मिला। हाँ। चाइनीज भाखरवड़ी और फलाफल भाखरवड़ी फटाफट लिया। हाँ। चल जल्दी जल्दी। हाँ हाँ हाँ, ये लो हसमुख भाई। ये औरत है। हाँ भैया, मुझे नाम नहीं पता था ना इसके लिए। सॉरी। अरे इनको एक पैकेट मिसल बाकरवड़ी देना। हो। ओ, मैंने सुझाव दिया था मिसल बाकरवड़ी का। हो ना। आ, ये पेड़े अंकल? ये पेड़ नहीं है, बटन है बटन। ये मैं अपने कोट पे सिलवाने वाला हूँ इधर। दरअसल ये दर्जी की दुकान है। ये उर्मिली, उर्मिली। हाँ? बोले केड़ा लाल गोखले। आपको क्या सिलवाना है? सलवार कमीज, घाघरा चोली? आपके ही मोटा भाई है, मुझे क्या बोल रहे हो। लेकिन समधी हम दोनों के होने वाले हैं और यही होने वाले हैं। अच्छा सुनो सुनो, रुको रुको, सब लोग रुक जाओ। अभी हमारे यहाँ से बाकरवड़ी खरीदने वालों को एक पैकेट बर्फी भेंट दी जाएगी। आ? क्या है ना, हमारे अभिषेक की सगाई इनकी गुजराती बेटी गायत्री के साथ होने जा रही है। हमारे राम को सीता मिल गई है कि नहीं, बोलो। हाँ। और सुनो भाई और बहनों, सगाई में सबको आना है। सबको क्या सबको? महादेवपेट, महादेवपेट, महादेवपेट। अरे हाँ सुनो, पूरे महादेवपेट को आना है। नहीं नहीं, पुणे 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 पुणे। अरे उर्मिली, मेरा बस चले तो। हाँ हाँ, तो पूरा भारत भारत, हिंदुस्तान, इंडिया इंडिया। अरे अन्ना, ये पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। ओ उर्मिला बहन, सुना मैंने, क्या भारत, क्या हिंदुस्तान, इंडिया। हाँ, कुंभ के मेले में रखनी है क्या सगाई? अरे वो मस्करी कर रही है। जाओ जाओ। अरे नहीं नहीं, देखो महेंद्र भाव, 20 लोग आपके, 20 लोग हमारे, बस। है, है। लेकिन 30 तो सिर्फ वेटर होंगे अन्ना भाई। 30 वेटर? हाँ? हमारी इकलौती बेटी की सगाई है अन्ना भाई। लेकिन हमारे घर में 4th सगाई है। बस प्रभाकर दादा बस। अरे आपकी और मेरी सगाई नहीं है कि 4 लोगों को चिवड़ा और बाकरवड़ी दी अनिया ऐसे बोल के भेज दिया? अरे ये अन्ना के राम की सगाई है ना अन्ना? अरे नहीं नहीं, ए प्रभाकर बाड़ा, ऐसा मत सोचना। हा? मैं अभिषेक की सगाई भी सादगी से करूंगा, पूरी दुनिया नहीं लुटाऊंगा। उर्मिला बहन, सुना आपने? हाँ, एकदम सादगी से सगाई हमारे वाड़े में होगी और जैसा मैं बोलूंगा वैसे ही होगी, बस। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाई 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 भाई
ज्यादा से ज्यादा 80 लोग बस। 8,000 8,000। अरे अन्ना भाई, ये उर्मिली आप दोनों दुकान के बाहर जाके झगड़ा कीजिए। अरे देखिए कस्टमर की कितनी भीड़ है यहाँ। पता नहीं तुम दोनों का न तेरा न मेरा कब खत्म होगा। उन्होंने 80 से शुरू किया तो तू 8,000 तक पहुंच गई। तो फिर मैं अभी सेटल करके आती हूँ। महेंद्र रुको। आओ जा, खस जाओ तो भाई बहन बता खसी जाओ तो। मुझे झगड़ा बिगड़ा नहीं करना है। मैं मान जाता हूँ 81 लोग बस। जोयो, मुझे पता था आप मोगैम्बोगिरी करेंगे ही करेंगे। एक काम करते हैं ना अन्ना भाई, बच्चे लोग को बोल देते हैं कि जाओ बाग के सगाई कर लो, कोई खर्चा होगा ही नहीं है। अरे बात खर्चे की नहीं है उर्मिला बहन, बात उसूलों की है। मेरे बाकी बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अभिषेक के साथ पक्षपात कर रहा हूँ करके। अच्छा एम? हाँ। तो फिर मैं आपको धमाकेदार सगाई का फंक्शन करने का ऐसा आइडिया बताती हूँ ना कि सांप भी मर जाएगा और बैट भी नहीं टूटेगा। लाठी लाठी नहीं टूटेगी, ऐसा बोली उर्मिला बहन। हाँ भाई यही बात सेम हवे। अरे सेम कैसे, सेम कैसे, लाठी और बैट सेम क्या? एम आपको अगर अभी सांप काटने आएगा और बाजू में बैट रखा होगा तो आप क्या बैट उठा के उसको मारेंगे? नहीं, ये बोल के नहीं ना, कहावत में तो लाठी लिखी है तो मैं तो लाठी से ही मारूंगा, वो भी मराठी वाली लाठी से। नहीं मराठी गुजराती, सांप को मारना ही क्यों? हाँ अगर सांप मुझे काटने आएगा ना तो मैं वो राजू पांसारे को फोन करूंगा, जो वो सांप पकड़ते हैं ना उनको बुला लूंगा मैं। और आपने ऐसी हिंसा भरी कहावत क्यों बोली उर्मिला बहन? ओ चंगू गोखले मंगू ठक्कर, मुद्दा क्या है? सांप